अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना चाट। तो देखिए हमारे पास ये एक बाउल चना है, हमने इसे गला लिए और ये देखिए इस तरीके से गलना है अच्छे से एकदम, और इसमें हमें नमक डालकर गलाना है। और ये हमारे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये भुना कुटा जीरा है, और ये कैरी है हमारे पास, और ये 1.5 टीस्पून बेसन है, और ये प्याज है बारीक कटी हुई, और ये हमने 6 से 7 हरी मिर्च को दरदरा सा पीस लिए। तो अब हम बनाना स्टार्ट करें। और देखिए हमने एक पैन लिए और इसमें हमने तेल डाले, और जब आप ये चने बनाएंगे तो चनों में बहुत ज़रा सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं। और देखिए हमने एक प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई, और ये प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, हम गैस को कम कर देंगे और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल देंगे। ये हम 1/2 टीस्पून ही अदरक लहसुन डालेंगे। देखिए हम हरी मिर्च को और अदरक लहसुन को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे तेल में। तो देखिए हमारे पास ये ज़ीरा पाउडर है, तो हम ये ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। ये भुना हुआ ज़ीरा है, तो हम मिर्च और प्याज को तलने के बाद ही ये डालेंगे। देखिए इसमें हम ये जो मिर्ची का पानी है वो डाल देंगे, और इसे हम अच्छा मिर्ची को भून लेंगे इसकी कच्ची स्मेल जाने तक। और इसमें हम बहुत ज़रा सी हल्दी डाल देंगे। देखिए मिर्ची अच्छे से भून चुकी है, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम गैस को कम कर देंगे। देखिए हमारे पास जो ये बेसन है, तो ये हमने ये 1.5 टीस्पून बेसन लिए, इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, इसका एक घोल बना लेंगे बेसन का। देखिए हमने बेसन का अच्छे से घोल बना दिए। अब ये जो मिर्ची भून चुकी है हम इसमें बेसन डाल देंगे। और इसे हम अच्छा मिक्स कर लेंगे, और इसे हम गाढ़ा नहीं होने देंगे, पतला ही रखेंगे। हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए हमने इसमें और पानी डाले, और अब हम गैस को फुल करेंगे, और इसमें हम अपने हिसाब से नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने चने गलते वक्त भी नमक डाले थे, तो हम इसमें बहुत ज़रा सा ही डालेंगे नमक। देखिए ये बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें छोलों को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये बेसन डालते हैं तो ये छोले बहुत अच्छे बनते हैं, पूरे मसालों में लिपट जाते हैं ये चने, और इसे हम अच्छा पकाएंगे। देखिए चने अच्छे से बन चुके हैं, और इसमें देखिए इतना इसे पतला रखना है, इसे ज़्यादा सुखाना नहीं है, और इसे जब आप बेसन डालेंगे तो गैस की आंच धीमी ही रखना है, ज़्यादा फुल आंच नहीं रखना है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। देखिए चना चाट बनकर रेडी हो चुका है, और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।